नमस्कार, मैं सचिन पांडे और आप देख रहे हैं द लोक नीति। शुरुआत करते हैं दिन की बड़ी खबरों के साथ। कॉमेडियन कुणाल कामरा ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए अवमानना नोटिस पर माफी मांगने से इनकार करते हुए कहा है कि जोक हकीकत नहीं होते। उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि जोक्स के लिए कोई बचाव नहीं होना चाहिए। जोक एक कॉमेडियन की धारणा पर आधारित होते हैं जिसका इस्तेमाल दर्शकों को हंसाने के लिए किया जाता है। आगे उन्होंने जवाब में लिखा है कि यह जोक्स हकीकत नहीं है और ऐसा होने का दावा नहीं करते हैं। ज्यादातर लोग ऐसे जोक पर प्रतिक्रिया भी नहीं देते जिन पर उन्हें हंसी नहीं आती है। वह उन्हें वैसे ही नजरअंदाज करते हैं जैसे हमारे नेता अपने आलोचकों को। बता दें कि कुणाल कामरा को पिछले साल 18 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट पर किए गए ट्वीट को लेकर अवमानना नोटिस जारी किया गया था। जस्टिस अशोक भूषण, आर सुभाष रेड्डी और एम आर शाह की बेंच ने कुणाल कामरा को नोटिस जारी किया था। कामरा ने अपने ट्वीट में सुप्रीम कोर्ट को भगवा रंग में दिखाया था। इसके अलावा एक ट्वीट में उन्होंने लिखा था, सुप्रीम कोर्ट इस देश का सबसे सुप्रीम जोक है। जिसके बाद अटॉर्नी जनरल ने उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की इजाजत दी थी। अपने हलफनामे में कामरा ने यह भी लिखा कि न्यायपालिका में जनता का विश्वास संस्थान के काम पर स्थापित होता है, न कि किसी आलोचना या टिप्पणी पर। दूसरी खबर पर आते हैं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कथित लव जिहाद रोकने के उद्देश्य से लाए गए मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य अध्यादेश 2020 के विरुद्ध याचिका पर सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिका में कानून के वैधानिकता पर सवाल उठाते हुए कहा गया था कि अध्यादेश के अनुसार धर्म परिवर्तन कराने के 60 दिन पहले कलेक्टर को सूचना देना अनिवार्य है। यह मौलिक अधिकारों का हनन है। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की बेंच ने नोटिस जारी कर विधि एवं विधायी कार्य विभाग के मुख्य सचिव और गृह विभाग के प्रमुख सचिव से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 31 तारीख को होगी। बता दें कि दिल्ली विश्वविद्यालय में विधि शाखा के विद्यार्थी व भोपाल निवासी अमृतांश नेमा ने राज्य सरकार की ओर से 9 जनवरी 2020 को लाए गए धर्म स्वातंत्र्य अध्यादेश 2020 के संवैधानिकता को चुनौती दी है। याचिकाकर्ता ने अध्यादेश 2020 के अनुच्छेद 2 क्लॉज 1 सी, अनुच्छेद 4, 10 और 12 को असंवैधानिक घोषित करने का आग्रह करते हुए कहा कि यह अध्यादेश संविधान में दिए गए समानता, जीवन जीने और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। इधर जिला अदालत ने प्यारे मियां मामले में पीड़ित को परिजनों के सुपुर्द करने की अर्जी को खारिज कर दिया है। अदालत ने पीड़िताओं की सुरक्षा में ध्यान में रखते हुए याचिका को नामंजूर किया है। बता दें कि यौन शोषण के आरोप में जेल में बंद प्यारे मियां के खिलाफ जिला अदालत में सुनवाई चल रही है। कोर्ट ने परिजनों की पीड़ित नाबालिगों को सुपुर्दगी पर सौंपने की मांग खारिज कर दी है। विशेष सत्र न्यायाधीश एट्रोसिटी एक्ट उपेंद्र कुमार सिंह ने यह आदेश दिए हैं। अर्जी के खिलाफ दलीलें दी गई थी कि पीड़ितों को परिजनों के सौंपने से उनकी जान को खतरा हो सकता है, ऐसे में बयान दर्ज होने तक पीड़ितों को बाल संप्रेक्षण गृह में ही रखा जाए। मामले में 2 फरवरी से गवाहों के बयान दर्ज होने हैं। तो यह थी आज की कुछ बड़ी खबरें। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए द लोक नीति।